रियुवा पत्रकार संगठन पौड़ी ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ऋषिकेश में पत्रकार योगेश डिमरी पर हुए हमले की निंदा की गई। संगठन ने आरोप लगाया कि यह हमला शराब माफियाओं के खिलाफ उनके द्वारा किए गए रिपोर्टिंग की वजह से हुआ है। उन्होंने मांग की कि पुलिस और शराब माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में एक पत्रकार के साथ में जो मारपीट हुई है, सम्मानित पत्रकार के साथ में, तो उसी संबंध में एक ज्ञापन और उसमें रोष प्रकट किया जा रहा है मीडिया के बंधुओं के द्वारा। तो उसे महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए प्रेषित किया जाना है, तो उस पर अग्रेतर जो कार्रवाई होनी वो की जाए। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर दिनदहाड़े हुई 5 करोड़ की डकैती की अगले दिन आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस को शीघ्र खुलासा करने के निर्देश दिए। पौड़ी श्रीनगर रोड पर बगनीवाड़ी गांव के पास एक वाहन गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को रेस्क्यू किया और 108 की एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पौड़ी भिजवाया। 2 लड़का हमारे पास पहुंचे हैं, दोनों कार एक्सीडेंट में उनको इंसिडेंट हुआ था। अभी दोनों फिलहाल ठीक है, हम इंजेक्शन दे रहे हैं, अभी सीटी स्कैन और एक्सरे के बाद ही पता चलेगा अंदर क्या चल रहा है। लखीमपुर जिले में शारदा नदी की तबाही से ग्रामीणों में दहशत है। निघासन तहसील के गांव ग्रांट नंबर 12 में एक मकान नदी में समा गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रशासन की अनदेखी से प्रभावित परिवार पलायन करने को मजबूर है। नदी के कटाव से किसानों की हजारों एकड़ जमीन बह चुकी है। नोएडा थाना फेज 1 पुलिस ने 3 अंतरराज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों की निशानदेही पर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से चोरी किए गए 3 वाहन भी बरामद हुए। ये आरोपी ऑन डिमांड वाहन चोरी करते थे और उनके खिलाफ दिल्ली समेत अन्य राज्यों में कई मुकदमे दर्ज हैं। गाजियाबाद के सहीबाबाद की नवीन फल मंडी और सब्जी मंडी में 40 सालों में पहली बार बड़े स्तर पर अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। 27 बीघे में बने फसल बेचने के चबूतरे को कब्जा मुक्त कराने के लिए 150 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इस कार्रवाई के दौरान आढ़तियों ने हंगामा और नारेबाजी की। मंडी में बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर जैसे जिलों से हजारों किसान और व्यापारी आते हैं। सभी व्यापारियों ने देखने के बाद ही वो दुकानें आवंटित हुई थी। 2004 से जो ऑक्शन की जो कार्रवाई चालू हुई है, उसमें भी व्यापारी उसी आधार पर बोली बोलते हैं जैसी दुकान होती है। यहाँ हर तरह की श्रेणी की दुकान है, यहाँ सी श्रेणी की भी है, बी श्रेणी की भी है, डी श्रेणी की भी है, ई श्रेणी की भी है, जिसका जैसा। नहीं, जब से मैं कहूँ, जब से साहब आए, इससे पहले के 50 साहब आ चुके तो सर आपके द्वारा, प्रशासन के द्वारा साहिबा मंडी पे अब क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या किसान की मांग हो सकती है, आर्थिक क्या मांगे? मैंने देखो पहले भी कहा है, कई लोगों को बताया है कि जिसकी जैसी सामर्थ्य थी उसने उस तरह की दुकान ली। यहाँ डी श्रेणी की भी है, ई श्रेणी की भी है, सी श्रेणी की भी है। सीतापुर में जंगली जानवरों, खासकर भेड़ियों और बाघों का आतंक बढ़ गया है, जिससे लोग दहशत में हैं। हर गांव इलाके में भेड़ियों ने एक माँ और उसके बच्चे पर हमला किया, जिसमें माँ गंभीर रूप से घायल हो गई। गांव में मवेशियों पर भी भेड़ियों ने हमला किया है। वन विभाग जंगली जानवरों को पकड़ने और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। कासगंज के सोरो क्षेत्र के बहादुर नगर गांव में 15 अगस्त की रात 10 लाख रुपए की चोरी हुई, लेकिन पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। अज्ञात चोरों ने पीड़ित मोहर सिंह के मकान में सोने चांदी के आभूषण समेत 10 लाख की चोरी की। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी, लेकिन पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। मेरठ में कई नए अस्पताल खुल रहे हैं, लेकिन कुछ का सीएमओ द्वारा लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। इसके बावजूद ये अस्पताल बिना किसी डर के मरीजों का इलाज जारी कर रहे हैं, जिससे मरीजों की जान जोखिम में है। स्वास्थ्य विभाग और शासन की अनदेखी के चलते ये अस्पताल अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? प्रमोद और सरस्वती हॉस्पिटल पे काफी दिनों से कार्रवाई चल रही है। उनका शिकायत ये मिली थी कि वो उनको मानचित्र आवास विकास की आपत्ति थी उनके कुछ, तो वो पता लगा था, तो उसी में हमारे अधिकारी लोग गए थे इंस्पेक्शन करने के लिए और उसको आके फिर उन्होंने वास्तव में देखा भी, तो उसको फिर हम लोगों ने उसके लाइसेंस कैंसिल कर दिए।
फतेहपुर में सराफा एसोसिएशन के सैकड़ों व्यवसायियों ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की मांग की और बाजार बंद करने की चेतावनी दी। व्यवसायियों ने पूर्व में हुई लूट और छिनौती की घटनाओं में लुटेरों की गिरफ्तारी न होने पर अपर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और सुरक्षा की मांग की। जो हमारे जो कारीगर बंधु हैं सैकड़ों की तादाद में हर गलियों में अपना अपना व्यवसाय करके रखे हुए हैं, हम ये भी चाहते हैं कि उनकी भी सुरक्षा के विषय में सोचा जाए। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चे के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर का घेराव किया। उन्होंने क्षेत्र में चिकित्सकों और उपकरण की कमी को लेकर आक्रोश जताया और सरकारी चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की। स्पेशली बताई थी कि क्या क्या मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं कमी है और कैसे इसका निवारण हो पा रहा है, मैंने उनको जानकारी दी है, सरकार की नीतियों की जानकारी दी है, सरकार कितनी संवेदनशील है। और अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि जो नियुक्तियाँ जो पद हैं उन पे किस तरह से नियुक्ति हो रही हैं तो मैंने बताया है। अध्यक्ष जी ने कहा अपेक्षा करी है क्योंकि बुंदेलखंड में बहुत गरीब मरीज रहते व्यक्ति रहते हैं और यहाँ से मरीज चूँकि बहुत ही गरीब हैं तो इनको मेडिकल कॉलेज ही एकमात्र सहारा होता है, जिला अस्पताल सहारा होता है। हरदोई में कोर्ट के तीन जज अजय श्रीवास्तव, नसीम और मृत्युंजय का गैर जनपद तबादला हो गया है। विदाई समारोह में अधिवक्ताओं ने तीन जजों से मुलाकात की और उनके कार्यकाल की सराहना की। सभी ने नए कार्यकाल के लिए उन्हें बधाई दी। जजों का कार्यकाल हरदोई जिला और सत्र न्यायालय में सराहनीय रहा है। हरदोई में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है जिसमें प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम शहर में अतिक्रमण हटा रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती पीके वर्मा ने पहल करते हुए अपने आवास के बाहर नाली पर रखे पत्थरों को हटवाया और लोगों को प्रेरित किया। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्टर के घर से लगभग 30 लाख रुपए की नकदी और कीमती सामान चोरी हो गया। चोरी तब हुई जब परिवार महाराष्ट्र में छुट्टियों पर था। रमेश चंद्र गुप्ता के बेटे अभिषेक गुप्ता, उनकी पत्नी शिल्पी, दो बच्चे पिछले 4 दिनों से महाराष्ट्र में यात्रा पर थे और उनके घर पर ताला बंद था।